तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग इसी तरह अच्छे बने रहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग ऐड नेटवर्क पे अर्निंग करने का सोच रहे हैं तो आपको कौन सा ऐड नेटवर्क चुनना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ऐड नेटवर्क बहुत सारे हैं, जैसे यूनिटी एड्स हो गए, एडमॉब हो गए, फेसबुक एड्स हो गए, स्टार्टअप हो गए, ऐप नेक्स्ट हो गए और ये बहुत सारे ऐड नेटवर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग बिगनिंग कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं अपने जर्नी को ऐड नेटवर्क में, तो आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए? तो इसका एकदम सीधा सा जवाब ये है कि अगर आपके पास ऑडियंस हैं, ठीक है, ऑडियंस मतलब कि अगर आपके पास यूज़र हैं 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 1,00,000 अगर आपके यूज़र्स हैं, तो आप बिल्कुल जाइए एडमॉब की तरफ, ठीक है। अपने एप्लीकेशन में आप एडमॉब के एड्स लगाइए और उसको प्ले स्टोर पर पब्लिश कीजिए, या फिर अगर आप नहीं भी करते हैं तब भी आपके एड्स शो होंगे और वहाँ पे आप अच्छा खासा अर्निंग कर पाएंगे मंथ में, ठीक है। और अगर आपके पास यूज़र कम है तो आप जाइए यूनिटी की तरफ, क्योंकि देखिए यूनिटी में जो है यहाँ पे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका थोड़ा इधर उधर भी हुआ थोड़ा सा ज़्यादा CTR अगर मेंटेन नहीं भी हो पाया तब भी आपका मैनेज हो जाता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। लेकिन वही एडमॉब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है जिसके कारण आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है थोड़ा सा भी इधर उधर करने पे, ठीक है। उसमें एड लिमिट लगता है, फिर अकाउंट सस्पेंशन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यूनिटी एड्स का अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छे से आप अर्निंग कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग सेल्फ क्लिकिंग के लिए भी यूनिटी एड्स को चुनते हैं, क्योंकि यूनिटी एड्स एक नया है, ठीक है। ये मतलब कि एडमॉब के बाद आया है और ये एक नया प्लेटफॉर्म है, एक तरह से नया है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लोग अर्निंग करते हैं, चाहे वो सेल्फ क्लिक हो गया, चाहे वो ऑडियंस नेटवर्क एप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर आप लोग को भी करना होगा सेल्फ क्लिकिंग या फिर ऑडियंस नेटवर्क एप्लीकेशन से अर्निंग, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने भी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया है डेवलपर टीम का, आप वो जाइए उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और बिल्कुल एक अच्छा एप्लीकेशन बनवा लीजिए, वो भी चीप प्राइस में, ठीक है। सबसे मेन चीज़ है चीप प्राइस में आप एक हाई क्वालिटी का एप्लीकेशन बनवा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाइए, उनसे बात कीजिए, उनको बताइए कि आपको कैसा एप्लीकेशन चाहिए, सेल्फ अर्निंग चाहिए तो वो बताइए, अगर ऑडियंस नेटवर्क चाहिए तो वही बताइए, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे जो आप अर्निंग करेंगे सेल्फ अर्निंग यूनिटी एड से, वो काफ़ी अच्छा अर्निंग होगा आपका, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है कि आपका 1,000, 10,000, 1,00,000 लोग होना चाहिए सेल्फ क्लिकिंग के लिए। मैं सेल्फ क्लिकिंग का बात बोल रहा हूँ, मैं ऑडियंस नेटवर्क का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि मैं ऑडियंस नेटवर्क के लिए हमेशा एडमॉब को प्रेफर क्यों करता हूँ, क्योंकि देखिए एडमॉब को मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा अर्निंग होता है और यहाँ का जो आपको सब कुछ मिलेगा, जो आपका ECPM मिलेगा, CPC मिलेगा, सब आपको काफ़ी बेहतर मिलता है, ठीक है। यहाँ पे फेसबुक एड्स पे भी आप वर्क कर सकते हैं अगर आपका ऑडियंस नेटवर्क है, स्टार्टअप पे भी, ऐप नेक्स्ट पे भी, ठीक है, ठीक है। तो ये तो था एक डिटेल्ड वीडियो, एक तरह से डिटेल्ड नहीं था और आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे करें। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिए है, जाइए उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, एप्लीकेशन बनवाइए और अर्निंग कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।